हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जॉब डिटेल्स हम कवर अप करने वाले हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को यूजीसी 7th पे स्केल के मुताबिक सैलरी दी जाएगी, ऐसा एडवर्टीजमेंट में मेंशन की हुई है। तो अच्छी बात है, नो एप्लीकेशन फी। किसी भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन 7th पे कमीशन अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को ऑफर कर रही हो तो आप जरूर एप्लीकेशन डालें। ऑफिशियल वेबसाइट पर आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स समझते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, यूजीसी 7th पे स्केल फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट, नो एप्लीकेशन फी, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट। ये नोटिफिकेशन आई हुई है डीआईटी यूनिवर्सिटी की तरफ से। डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून में लोकेटेड है और देहरादून उत्तराखंड स्टेट में आता है। पहले ये उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, लेकिन अभी ये उत्तराखंड में आ चुका है। तो डीआईटी यूनिवर्सिटी एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, तो पहले यह हम कवर अप कर लेते हैं। इसकी ओपनिंग डेट थी 26 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुई थी। क्लोजिंग डेट है 7 मई 2021। सब्जेक्ट की डिटेल इस तरह की, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ईवीएस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंग्लिश, फार्मा के सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी है जिसमें, बाकी फार्मा के हैं, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट मींस एमबीए, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो AICTE UGC के मुताबिक, PhD होल्डर्स को ऑफकोर्स प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यूजीसी के मुताबिक जो अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं इनमें नेट सेट या फिर पीएचडी होना काफी होगा। सेट मींस उत्तराखंड सेट है या फिर आपने नेट किसी भी स्टेट से पास की हुई है तो आप एलिजिबल है, या फिर पीएचडी है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एमटेक होना काफी होता है एज पर AICTE, बट यहां पर एक रिक्वायरमेंट बताई जा रही है कि 2 ईयर्स की मिनिमम एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में जरूरी नहीं है कि टीचिंग एक्सपीरियंस ही आपको हो। अगर आप कहीं इंडस्ट्री में काम करके आए हैं या आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कोई हैंडल की हुई है 2 साल के लिए, या किसी भी मैनेजरियल लेवल पर आपने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन की हुई है तो आप बिल्कुल यहां एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छी रहेगी जिन्होंने एमटेक की हुई है, एमई की हुई है और बाद में इंडस्ट्री में चले गए और अभी स्विच करना चाहते हैं, तो वो यहां पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 7th पे स्केल इन्होंने खुद मेंशन की है, तो ये जरूर डिजर्विंग कैंडिडेट को 7th पे स्केल या इक्विवेलेंट ऑफर करेंगे। तो 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस यहाँ एक मैंडेटरी है, बाकी नेट सेट या पीएचडी वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के लिए एमटेक वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं विदाउट नेट सेट पीएचडी भी, अगर 2 ईयर्स की वर्क एक्सपीरियंस कहीं पर भी है। अगर 7th पे स्केल की बात करें तो 7th पे स्केल में अभी जो सैलरी चलती है, ऑफर हो रही है स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनकी सैलरी 70,000 to 80,000 रुपीज होती है पर मंथ। पर अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मिनिमम भी अगर 7th पे के मुताबिक पे करें तो मिनिमम भी 50,000 to 60,000 की रेंज जरूर होगी सैलरी की इनकी। तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। एप्लीकेशन डालना बहुत सिंपल है, लास्ट डेट इसकी 7 मई है। 7 मई के पहले या 7 मई तक आपको ईमेल आईडी यहां पर दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप एप्लीकेशन डाल दें। पोजीशन और आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है वो सब्जेक्ट लाइन में जरूर मेंशन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पर आपको इस की लिंक, वेबसाइट की लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।